This program is brought to you by Blue नहीं, यूहू. Don't say blue, say यूहू. जी, welcome back to यूहू Youth Parliament. हम ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपकी बात काटी, आई एम सो सॉरी. हम लोग हमें मिर्ज़ा अख्तियार बेग बता रहे थे कि इतनी सारी पोटेंशियल होने के बावजूद हमारे मुल्क में ऐसी क्या वजह है, वेयर डज़ द प्रॉब्लम लाए कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे. ये यासीन ने सवाल किया था, आप प्लीज़ सर जवाब दें. यासीन के जवाब में मुकम्मल करूँ. अच्छा, फिर हमारे साथ कुछ सेट बैक हुए. जब हम आज़ाद हुए तो फ्यूडलिज़म हमें जहेज़ में मिल गया. इंडिया ने उसी वक्त ख़त्म कर दिया. वहाँ वडेरी जागीदारा निज़ाम नहीं, पटेल साहब ने वहीं पे अकलमंदी थी कर दिया. आज हमारे बहुत बड़ी तादाद में फ्यूडल लॉर्ड्स पार्लियामेंट में होते हैं और उनके इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि कोई एंटी या कोई ऐसा जो माशी से आपका ताल्लुक है वो खुद भी वडेरिज्म को ओन करते हैं. तो आप लेकिन ये मैंने देखा कि पाकिस्तान के कुछ पार्टी के लीडर्स जो हैं वो इस तरफ बात कर रहे हैं, लेकिन आप बात करते हैं. मैंने पहले भी आपने मैं यूथ के साथ कैंडिडेट और ऑनेस्ट रहना चाहता हूं. अपने ग्रे एरियाज भी बतलाएंगे और हम अपनी प्लस पॉइंट भी करेंगे बात. तो वो जो माशी तकाजों के लिए जो कानून बनने चाहिए, फैसले करने चाहिए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको पास कराना, एक चीज़ है. उसके बाद 63 साल में आधा वक्त आमर हम पे काबिज रहे. तो जमहूरियत को पनपने का नहीं दिया मौका और ना इदारों को मुस्तहकम होने का मौका दिया. वो भी एक बहुत बड़ा सिया बाप था कि जिसमें आप वैसे तो आज़ाद हो गए और अगर ये 63 साल पूरे हमें जमहूरियत के मिलते तो आज हम इंडिया की तरह मैच्योर जमहूरियत होते. आज हमारे जो सियासतदान है वो मैच्योर, वहाँ एक लुंगी वाला बैठता जब आके तो उसके एक एक अल्फाज जो होता है उसमें एक विजन होती है, एक पॉलिसी होती है. तो हमें वो चीजें भी हमारे लिए सेट बैक नहीं. मैं इन यूथ को चाह रहा हूँ एक हमारे प्रोस्पेक्टिव में देखें कि क्या चीजों से हमें थोड़ा सा एक सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगा. कभी कभी मुझे फायदा भी लगता है कि जमहूरी लोगों को फायदा हुआ है इस आमरियत का, क्योंकि 10 साल बाद जब दोबारा जमहूरी वोट लेने के लिए आए तो उससे 10 साल पहले जो कारनामे थे वो आवाम भूल चुकी थी. देखिए, तो उसके बाद ये हुआ मैं कि इस वक्त ये बात नहीं कर रहा है कि किस ऐसी जमात को फायदा हुआ किसको. मैं एक बड़ा होलिस्टिक व्यू में ये बतला रहा हूँ कि इन चीज़ों से हमें जो मिर्ज़ा का सवाल था उसका पार्शियली मैं जवाब दे रहा हूँ. ये सब चीज़ें थी जो हर्डल्स थी, जो ऑब्स्टिकल्स थी, जिनकी वजह से हम वो तरक्की हासिल नहीं कर सकते जो हमारा हक भी था और हमारा मनसब भी था. अच्छा, मैं मिर्ज़ा साहब से इख्तियार बेग साहब से एक बात और दरियाफ्त करना चाहूँगा कि एक तो ये जैसे रिजवान भाई ने भी कहा कि हुआ ये है कि हमारे यहाँ जब एक जमहूरी दौर को ताकत के ज़रिए से ख़त्म कर दिया जाता है उसके साथ साथ होता ये है कि जो उस जमहूरी दौर के कारनामे मैं जिस सेंस में कह रहा हूँ, मेरे ख्याल में ऑडियंस भी समझ रही होगी और आप भी समझ रहे होंगे, उन कारनामों से भी आवाम जो है उनको भूल जाती है. तो दोबारा जब आप जमहूरियत के दावे और आज़ादी के दावे करते हैं, नारे लगाते हैं, तो लोग आपके साथ मिल जाते हैं. एक तो ये मैं जानना चाहूँगा कि इसका आपको अच्छा, इसका फ़ायदा होता है यासीन थोड़ा सा बाकी लोगों को मौका देते हैं तो एक चीज़ और दरियाफ्त कर लूँ मैं. और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि लीडरशिप आज हमारा सबसे बड़ा यूथ का जो सबसे बड़ा मसला एक और जो हमारे लिए है जिसमें हम कन्फ्यूजन के शिकार है, वो ये है कि हर पार्टी हर फर्द ये दावा करता है कि मुल्क और कौम के साथ सबसे ज़्यादा सिंसियर वो है. तो मैं मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब से जानना चाहूँगा वो ये बताएं कि यूथ सही और गलत लीडर के तायुन किस तरह से कर सकते हैं. ठीक, देखिए सर एक मिनट, इनकी बात भी हो जाए, एक एक कमेंट सी दे दें तो मैं एक साथ ही जवाब लूँगा ताकि शामिल हो जाए शो में. सर मेरा आपसे सवाल है कि हम चाइना से पहले आज़ाद हुए, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ, आज चाइना को देखें उसकी रेटिंग्स क्या है और पाकिस्तान की रेटिंग्स किधर है, दुनिया में पाकिस्तान का नाम किस तरह है. सर लीडरशिप की आपने बात की, सब पास्ट है. सर आप प्रेजेंट देखें, आप ये देखें आजकल का नौजवान कैसा धक्के खाता है जॉब के लिए, उसको जॉब्स नहीं मिलती. पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस देखें, आपने कोल की बात की, पाकिस्तान में इतनी बड़ी माइन है, पाकिस्तान में सर हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ, आज हम किस दौराने पे खड़े हैं सर, क्या मिला क्या है नौजवानों को. आप बताएं क्या क्या अपना विजन देना चाहेंगे इस टॉपिक पर. मैं यही पूछना चाहूँगी कि जैसे मतलब हम पढ़ते तो यही सब है कि पाकिस्तान के पास ये भी है वो भी है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर हमारे मुल्क के नौजवान जो तालिबे इल्म जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उन्हें जॉब्स के लिए या जो है आला तालीम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है उन्हें, क्या पाकिस्तान में ये सब मैसर नहीं है.
دیکھیں یہاں پہ تو میں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اعلیٰ تعلیم ہمارے ملک میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ہمارے ایسے ادارے ہیں جن کو ورلڈ ریکگنیشن ہے, اور اعلیٰ تعلیم کے لیے تو مزہ بھی کہتا کہ چین بھی جانا پڑے. اگر آپ کی استطاعت ہے, وسائل ہیں, والدین افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ بالکل جائیں. تو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جانا کوئی برائی نہیں ہے, لیکن ملک کو واپس آئیں یہ سوچ کے اس ملک کو خدمت کریں. جیسے میں نے ملک سے باہر گیا, کیریئر شروع کیا, جابس کی, بینکر رہا, بزنس شروع کیا, خوب سارے پیسے کمائے اور تمام بینکنگ چینل سے لا کے ملک میں اب یہاں میں نے صنعتیں لگائی ہیں, 2500 لوگوں کو جاب دے رہا ہوں, بزنس کر رہا ہوں. تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, آپ نے اپنے ملک میں لے کر آئے اپنی محنت سے. تو اس میں آپ بالکل تعلیم کے لیے باہر جائیں اور جاب بھی کریں, اور اس کے بعد پھر دل میں یہی ہو کہ ایک دن آپ نے جمہوریت کی طرف آتے ہیں. جمہوریت کی جو بات آپ کر رہے تھے نا, میں ان کے سوال کو آگے بڑھاؤں گا. وہ ٹھیک ہے عامر کتنے سال رہے, 30 سال رہے, لیکن جمہوری دور میں کچھ انیشیٹو نظر آنے چاہیے کہ چلیں جی اگر کسی عامر نے ریلوے کو تباہ کر دیا تھا تو جمہوری دور میں اس ریلوے کو ٹھیک ہونے کا کام شروع ہو گیا. اگر جمہوری دور میں اسٹیل مل عامر دور میں اسٹیل مل تباہ ہو گئی تھی تو جمہوری دور میں ایک میرٹ پہ چیئرمین آ کے بیٹھا, یہ ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. یہ انیشیٹو دیا ہے سر. آپ بہت ماشاء اللہ بسکٹ ہیں, سمجھدار ہیں. جب ادارے جیسے اسٹیل مل یا پیپکو, وابڈا, ریلوے, یہ خراب ہوتے ہیں تو ان کو ایک حکومت جا کے دوسری حکومت آ کے صحیح نہیں کر سکتی. انیشیٹو کی بات کا ہیمرج انیشیٹو نظر ہے, صرف انیشیٹو نظر ہے, ڈاؤن دی ڈرین. وہ تو پھر ڈیکیڈز لگتے ہیں اور زیادہ تر یہ ہوتا کہ سنبھل نہیں پاتے, ان کا اینڈ جو ہے بریل ہوتا ہے. تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. اس کا مطلب لیڈرشپ فیل ہے. اگر ادارے خراب ہو جائیں, اداروں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت لیڈرشپ میں نہیں ہے. اس کا مطلب دیکھیں, پہلے تو ادارے کس حد تک خراب ہوئے, کیا ریپیربل کنڈیشن میں انہیں لایا جا سکتا ہے, یا وہ جیسے اب کچھ ادارے ایسے ہیں مجھے امید ہی نہیں ہے. میں خود کہتا ہوں ریلوے سے مجھے امید نہیں ہے. کتنا ہیمریج, اتنا اس میں. سر لائیو کالر ہمارے پاس لائیو کال یہاں پہ موجود ہے. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ہلو, السلام علیکم. جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں فوزیہ سعید بات کر رہی ہوں کراچی سے. السلام علیکم فوزیہ, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں آپ کا پروگرام ایمن سلیم بہت اچھا لگتا ہے, ہم لوگ بہت شوق سے, اسپیشلی ابھی ہمیں افطاری کی تیاری کرنی ہے لیکن ہم آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں. آج جو آپ کے گیسٹ آئے ہیں بہت اچھے ہیں. مجھے ان سے یہ پوچھنا تھا کہ ہمارے نوجوانوں کو پاکستان میں رہتے ہوئے تعلیم پوری طرح سے نہیں ملتی تو نوکریاں کہاں ملیں گی؟ ٹھیک ہے, اور کچھ؟ بس تھینک یو سو مچ. سوال یہ ہے, دیکھیں نوکریاں جو ہیں یہ ایک کانسیپٹ اگر آپ کا ہے کہ آپ نے تعلیم کمپلیٹ کر کے اور گورنمنٹ کے اداروں میں جاب سے بھی ملنی ہے تو وہ تو کبھی زندگی بھر پورا نہیں ہوگا. فرسٹ گورنمنٹ کی پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ سب کو جاب دے سکے. یہ پرائیویٹ ادارے ہیں جو جابس کریشن کرتے ہیں. پرائیویٹ اداروں میں بھی ایک سیگمنٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹری. 80% کسی ملک میں جابس وہاں سے ہوتی ہیں. اب بولے سر اس سے کر لیں, کس کو روکا ہے, کس نے روکا ہے؟ وہ اس کے لیے ایسی پالیسی بنائی جاتی ہیں کہ اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انڈسٹریز فروغ پائیں, بینکوں سے ان کو فائنینسنگ ہو. نوجوانوں میں یہ سوچ آ گئی ہے کہ بغیر سفارش کے کچھ جاب نہیں مل سکتا. وہ اسی پہ ذرا سے مجھے رسوانی, پہلی چیز تو خدا را یہ مائنڈ سیٹ کریں, یوتھ سے میں مخاطب ہوں کہ آپ نے پڑھنے کے بعد جاب ہی کرنی, یہ چینج کریں کیونکہ اس میں لمیٹیشن آ جاتی ہیں. آپ نے آپ کو کیوں انفارچونیٹ ٹاپ 5 لاکھ میں سمجھتے ہیں جن کو فوراً جاب مل جائے اور باقی 55 لاکھ ہیں جن کو جاب نہیں مل رہی ہے؟ آپ انٹرپرینورشپ پیدا کریں. آپ پڑھنے کے دوران ہی اپنا ذہن یہ کریں کہ سر میں تھوڑے بہت پیسے لے کے کچھ بینک سے لے کے کچھ دوستوں میں باہر امریکہ میں 5-5, 6-6 گراج میں جا کے ایپل کمپیوٹر انہوں نے شروع کیا تھا اور آج دنیا کے حکومت ہمارے جابس کے سنڈروم سے نکلیں. آپ چھوٹے موٹے بزنس سے شروع کریں, انٹرپرینورشپ ایک ہوتی ہے اپنے میں. اوپر میں جاب کر رہا تھا بینک میں, گاڑی, ویلا, بزنس کلاس ٹریولنگ, میں نے ایک دن کہا کہ نہیں میں ریزائن کر رہا ہوں. ایوری بڈی از ڈاؤٹڈ آن مائی مائنڈ. تو آپ نے انٹرپرینورشپ کریں ایک چیز, اور چھوٹے بزنس سے غربت. بھائی ادھر ایک اور ہم ذرا کال لیں گے. جی ہمارے ساتھ کون موجود ہے؟ السلام علیکم. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟ سلمان بات کر رہا ہوں کراچی سے میں. جی السلام علیکم سلمان, کیسے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسے ریلوے ہمارا ادارہ جیسے تباہ ہو رہا ہے, جیسے کہہ رہے ہیں کہ ریلوے ہمارا ادارہ جو ہے وہ مزید تباہ ہوتے جا رہا ہے, اس کو مطلب امپروو نہیں ہو سکتا ہے, تو ایسی کون سی ریزن سے امپروو نہیں ہو سکتی ہے مطلب اس کے اندر؟ ہمارا اسٹیل کا ادارہ جو پہلے پروفٹ میں تھا بالکل ہی اب وہ یہاں تباہ ہوتا جا رہا ہے, مطلب تو اس کو کیوں نہیں ہم اس کو مطلب اس کو ہم
ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू सलमान। असल बात वही है कि इनिशिएटिव की बात है, उसमें लिया गया है। हमारे पांच छह जैसे मिनिस्टर साहब जो है ना, उसी पे मैं आ रहा हूं। पांच छह व्हाइट एलिफेंट थे, चार सालों में 100 अरब रुपए गवर्नमेंट ने इन इदारों को चलाने को कहे, जिसमें पीआई है, रेलवे है, स्टील मिल है, वापदा पेपको है, सही है, पांच इदारे हैं ये पांच, 1000 अरब रुपए चार साल में। अब उन्होंने क्या करा, स्टील मिल को एक पैकेज दिया, नए आदमी लेकर आए, बोर्ड रिकन्स्टिट्यूट किया है, 8 अरब ये कितना है, और 14 अरब की जो बात हो रही है कि इसमें आपने टर्न अराउंड करना है। पेप्को के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उन सब के मैं पहले से कहता था, अब जाके मेरी बात पूरी हुई कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करें, गवर्नमेंट के फेडरल सेक्रेटरीज और सुपर सेक्रेटरीज प्रोफेशनल प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हो गया, टाइम हो गया सब के। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अनाउंसमेंट 2 या 3 दिन में आने वाला है, सबके चेंज हो रहे हैं, प्राइवेट लोग आ रहे हैं, वो टर्न अराउंड करेंगे, पूरी पावर दी गई है। अच्छा, जो हो सकते थे दो को अभी छुआ है, हर एक को नहीं छू के आप उनको टर्न अराउंड कर सकते हैं। आप ये समझते हैं कि बड़ा अच्छा मौका मिला था, इत्तेहादी भी साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले साल से कोई ऐसे इनिशिएटिव लेती तो अब तक कुछ चीजें बेहतर हो जाती, लेकिन जो है ना कुछ मायूसी हुई है सर आवाम को। मैं अच्छा आपको इस हुकूमत से जमहूरी दौर से पार्टी ने अच्छे काम करे उनको क्यों नहीं कराते, एनएफसी अवार्ड करा है, 18th अमेंडमेंट करी है, आइन को उसकी असली शक्ल में दिया है, ये तमाम चीजों को भी तो आप मेंशन करें ना, जो आमिर ने बिल्कुल मुस्क करके खत्म करके वो चला गया था। जी आप जरा आप क्या पूछना चाहेंगे? जी बेग साहब, मैं ये दरियाफ्त आपसे करना चाह रहा था, एक तो ये कि जो रिजवान साहब ने बात कही कि 4.5 साल हमने सिर्फ सोचने में गुजार दिए, अब जब नया इलेक्शन हमारे सर पर है तो अब हमने आखिरी छः महीने पहले अब हम चीज़ों के हालात जो है वो सुधारने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपने बहुत वाजिब अंदाज में बोला कि सोचने में गुजार दिए, आपने ये नहीं बोला कि करप्शन में गुजार दिए। हाँ, मैं बात वही है, मेरे ख्याल में बेग साहब बहुत रहीन आदमी है, समझ रहे होंगे इस बात को। आप यूथ की तर्जुमानी कर रहे हैं, ठीक, और मैं चाहता हूँ यूथ की रियल आप तर्जुमानी करें। हमारे हुकूमत में क्योंकि इकोनॉमिक एजेंडे का हिस्सा था, बीवी के साथ मैंने बहुत बैठ कर काम किया था, हमारी एक विजन थी, एक प्लान, हमारी तरजीहत बहुत चेंज हुई आने के बाद। दो सिर्फ रीजन थे जिससे, दो मिनट, ये दो रीजन बाद में जी हमारे पास एक और कॉल है। अच्छा, आपसे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी हमारे साथ कौन मौजूद है लाइन पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल से काफी देर से वेट कर रहे थे, वो जा चुके हैं। जी आप दो चीजें थी जो हुई ना खाने, एक तो वॉर अगेंस्ट टेरर के हम हिस्सा बन गए बगैर सोचे समझे, 70 अरब डॉलर वसायल जेब फटी गई, हाथ बाहर निकल गए, खाने को नहीं झोंक दिए, और अभी तक वी कैन नॉट लीव इट एज अनफिनिश एजेंडा में कंप्लीट करना है। तमाम वसायल तरक्याती फंड कट करके वहां झोंकते गए। एक तो इसने हमें स्मैश कर दिया, एक वो जरूरी भी था, सबात में हमारी रिट खत्म हो गई थी, स्कूलों में तराने रुकवा दिए थे, झंडे उतार दिए गए थे, ये जरूरी था। प्लस अब जो फटाफटिस्तान है वो बड़ा खेल है, और उसमें अब जब तक पूरे अमन अमान नहीं हो जाता हम इसको छोड़ नहीं सकते। दूसरे दो सक्सेसिव सैलाब बारिशें आई जिन्होंने हमारी 10 अरब डॉलर की, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, मईशत को हिला के डाल दिया, लाइफ स्टॉक तबाह हो गया, हमारे कॉटन की बेस 2 मिलियन की ख़त्म हो गई। उससे ये दो चीज़ों ने समझ लीजिए हमारी कमर को तोड़ा, मैं मान रहा हूँ बिल्कुल बिल्कुल, और इससे बहुत असर हुआ, और हम उसको अभी तक मेकअप कर ही नहीं सके जी। और ये अनगहनी था, अनफोर्सीन था, इट्स नॉट फोर्सीन, लेकिन जब आप रिंग में होते हैं तो कोई भी चीज आ सकती है आपके उसके दौरान। तो इसने हमारी तरजीहात भी तब्दील की जी, इसने हमारी परफॉर्मेंस भी मुतासर की, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने आने के बाद, ये आप नहीं कह सकते, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं, क्या जमहूरी दौर से मुतमईन, कितने मुतमईन हैं? मुख्तारी दी गई है, हमें दहशतगर्दी में झोंक दिया गया सर, जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, हलाक किया गया, तो पूरी कौम मुश्तैल थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान में आके ऑपरेशन करा, नौजवान पुरजोश थे कि इन्होंने हमारे मुल्क पे हमला करा, और हमारे वजीर आजम जो नाहेल हो चुके हैं वो अमेरिका के सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे मुल्क में आकर नो सामना करा। आपके जवाब से पहले हम एक कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन मौजूद है हमारे साथ लाइन पे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर तारिक रिज़वी है जी। जी डॉक्टर साहब फरमाइए। क्या पूछना चाहेंगे? मैं पहले तो डॉक्टर साहब को सलाम अर्ज करना चाहता हूँ, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, जितने लोग हैं, मैं प्रोग्राम बड़े शौक से देख रहा हूँ आपका जी, शुक्रिया। वो ये कि आप लोग कुछ इस तरह की बात क्यों नहीं करते कि ये तो हम लोग बात करते हैं इनकलाब की, चेंज की, ये सिर्फ CHANG होके रह जाता है। निकाल देता हूँ आपको, पीपल्स पार्टी में
बड़े अच्छे और बड़े सुथरे लोग हैं, आप भी जान रही कि मैं किन लोगों को कह रहा हूँ, और इसी तरह नवाज शरीफ की पार्टी में भी, इसी तरह एनकेएम में भी है भाई, ये सारे अच्छे लोग, पांच पांच छह छह लोग निकाल के आप एक अच्छी सी पार्टी बनाओ, जो जो नोन लोग हैं, जो नोन डकैत हैं, उन्हीं के पीछे भागे चले जा रहे हैं, नहीं इससे सोचिएगा, ये मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं, पार्टी में अच्छे लोग हैं लेकिन उसको उसको फॉलो नहीं करते यू नो। और दूसरी चीज ये जो अमेरिका का फोबिया हो गया हमें कि अमेरिका बुरा है, आप मेरे सामने आप दोनों नजर आ रहे हैं, आपके हाथ में घड़ी, इसमें अमेरिका की बेजल लगा हुआ है, आपकी टाई जो इसका मटेरियल वहां का है, जो साहिबा बैठी उनके पास सल्जर की मशीन है स्विट्जरलैंड की, एक भी चीज है जो सऊदी अरब ने बनाई हो या इथोपिया ने बनाई हो, क्यों बुराई करते रहते हो यार, पहले आप उस काबिल बन जाओ फिर आप करो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, पहले जवाब देखें, वही है कि हम जितने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक इनका रिमोट अमेरिका के पास है, आज हम नाटो के अगेंस्ट जा रहे थे कि सप्लाई नहीं करो, 28 कंट्रीज से हम अपोजिशन कन्फ्रंटेशन हेड ऑन अफोर्ड कर सकते थे, IMF की अभी आज मेरी गवर्नर स्टेट बैंक से सुबह टेलीफोन पर बात हो रही थी, $1 billion से ज्यादा भी पेमेंट IMF के किस ड्यू होने वाली है। हम ऐसा करते हैं, हम लाइव कॉल की जवाब और इनका जवाब भी हम साथ लेते हैं, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, प्लीज स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय ब्लू नहीं यूहू, डोंट से ब्लू से यूहू।